शक्ति का उपयोग करने का है वो करना चाहिए, और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर, महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण के अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल गीता पर जिहाद को लेकर दिए गए अपने बयान से बुरी तरह फंस गए हैं। बीजेपी से लेकर देश के तमाम साधु संतों ने उनके इस बयान पर आपत्ति जताई है। दरअसल पाटिल ने एक बुक लॉन्च के दौरान ये कह दिया कि जिहाद की बात सिर्फ कुरान और बाइबल में नहीं है, बल्कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से जिहाद की बात कही है। जिहाद की बात तब आ जाती है जब के सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है वो आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो करना चाहिए, और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर, महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण के अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। हालांकि जब इस मामले ने तूल पकड़ लिया तो शिवराज पाटिल को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में इस बात को सिरे से नकार दिया कि उन्होंने गीता में जिहाद की बात कही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवराज पाटिल हैं। उन्होंने कहा है कि जिहाद सिर्फ कुरान शरीफ में भी नहीं बल्कि महाभारत की गीता भी जिहाद की ही तरह है, कृष्ण का उपदेश भी जिहाद ही है। हमारे साथ मौजूद हैं, कल आपने कार्यक्रम में कहा था, उस कार्यक्रम में मैं भी मौजूद था, कि अर्जुन को दिया गया कृष्ण का संदेश भी जिहाद ही है। बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है, वीएचपी ने सवाल खड़ा किया है और कह रहे हैं कि आप माफी मांगिए, माफी मांगेंगे? देखो कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है। आप सुन के जो मैंने बोला है ये बोल रहे हैं वो भी सही नहीं है, और जो गलत बात है उसके लिए मुझे माफी मांगने का कोई कारण नहीं। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी को जो कह रहे हैं तो उनको बात आप मत करो फ्रेंड, माफी मांगने आप जो बोल रहे हैं कि मैंने ये कहा है कि पूरे ग्रंथों के अंदर, गीता के अंदर, वेदों के अंदर, उपनिषद के अंदर, कुरान शरीफ के अंदर, बाइबल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो एक बोलते हैं। इसमें भगवान के बारे में बोल रहे हैं, इसमें ब्रह्मांड कैसा निर्माण हुआ उसके बारे में बोल रहे हैं, और इसके अंदर फिर जो है लड़ाई के बारे में भी इन किताबों के अंदर है, ये बाइबल में भी है, कुरान शरीफ में भी है और गीता के अंदर भी लड़ाई है, ये इसके लिए ये सारी चीजें एक है। 100% गलत आपका ऑडियो भी है सर, वीडियो भी है। आप न्यूज़पेपर में डालिए, मैं कोर्ट में डालूंगा और आपको प्रूव करना पड़ेगा। सर आपका ये वर्बेटम में टेक्स्ट है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी शिवराज पाटिल के बयान को गलत बताया है। वीएचपी ने मांग की है कि कांग्रेस अपने नेता के इस बयान पर पूरे देश से माफी मांगे। शिवराज पाटिल जैसे वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री और अनेक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर रहते हुए आयु के इस पड़ाव में जिस कांग्रेस ने राम को नकार दिया, अब कृष्ण पर प्रहार करने लगी, श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों को भी जिहाद बताने लगी, सर माननी चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टिकरण की ये हद है, धर्म को जिहाद से जोड़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष को और स्वयं उनको हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि धर्म और अधर्म में क्या अंतर होता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी ने जिस प्रकार से हिंदू सनातन को अपमानित करते हुए महाभारत के चरित्र और उनके संवाद को लेकर के जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए प्रेरणा दिया, उसको जिहाद बताना उसी प्रकार से है जैसे इस्लामिक आतंकवाद जब चरम पे था उस समय कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो भगवा आतंकवाद को दिखा करके इस्लामिक आतंकवाद को भगवा आतंक से जोड़ने का प्रयास किया, जबकि भगवा आतंकी होते नहीं है, भगवा तो त्याग का प्रतीक है। और देखिए जितने भी आरोप हिंदू संगठनों पे लगे, कुछ संतों पे कांग्रेस ने लगाया, वो सब बाइज्जत बरी हो गया। यदि ऐसा कहते हैं तो इतना घटिया बयान दूसरा हो ही नहीं सकता, ये अत्यंत निंदनीय है। भगवान गीता में
कर्म योग, ज्ञान योग, उपासना योग और क्या होता है भक्ति योग, ये चार पांच प्रकार के योग होते हैं। इसी का उपदेश दिया है गीता में। और वहाँ जिहाद की बात ही कह रहा है, इतना घटिया है और ऐसे पद पर रह करके इतनी गलत बयान जो इसका गीता के साथ और भगवान कृष्ण के साथ जोड़ रहा है, तो ऐसे आदमी को पागल के अलावा और दूसरा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये पगलेट चाहे जितने बड़े पद पर रहा, लेकिन इसको ज्ञान, गीता का ज्ञान, महाभारत का ज्ञान, पुराण का ज्ञान और रामायण का ज्ञान बिल्कुल एक पैसे की नहीं है, राजनीति में चाहे जो कुछ भी रहा हो। हालांकि शिवराज पाटिल के बयान से उठा ये सियासी तूफान फिलहाल इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को चौतरफा घेर लिया है। जो आपत्तिजनक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के करीबी शिवराज पाटिल जी ने कही कि महाभारत जिहाद सिखाता है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का संदेश दिया था, उस पर माफी मांगने के बदले, उस पर अनकंडीशनल अपॉलॉजी करने के बदले आज जिस प्रकार से अपने बयानों को उन्होंने जस्टिफाई किया है, डिफेंड किया है और कहा है कि उनको मिसकोट किया गया, दरअसल ये मिसकोट नहीं किया गया है, यही कांग्रेस पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी बार बार इस प्रकार की बातें करती है।